हेलो बच्चों, क्या हालचाल आपके। आज हम क्लास 12th फिजिक्स में जो है कूलम्ब फोर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और कूलम्ब फोर्स के बारे में डिस्कस करने के साथ साथ ही हम बात करेंगे इसकी वेक्टर फॉर्म के बारे में। ठीक है, तो कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं। तो कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला आपको पता ही है। सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं, लेट टू लाइक चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड्स Q1 एंड Q2 बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस आर अपार्ट इन वैक्यूम, देन द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, है ना। जब दो लाइक चार्जेस जिनके मैग्नीट्यूड Q1 Q2 है और एक दूसरे से आर डिस्टेंस पे वो रखे हुए हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स एक्ट करता है उसका फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू 1/4πε0, है ना, वैक्यूम के लिए Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इनके बीच का। अब हम बात करने वाले हैं वेक्टर फॉर्म की। तो वेक्टर फॉर्म तो आप जनरली अगर हमसे एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वेक्टर फॉर्म में हमें इसके साथ इसकी डायरेक्शन का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जब भी हमसे पूछा जाए कि जो कूलम्ब फोर्स है ये इसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, इसको कब हम वेक्टर लगा के लिख सकते हैं, कब यहाँ पे हम वेक्टर लगा सकते हैं, मतलब इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको इसकी डायरेक्शन जो है, इस फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ है उसका मल्टीप्लाई कर देना है। इसको ही हम क्या बोल देंगे कि ये कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, कौन सा फॉर्म हो जाएगा, कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो डायरेक्शन मल्टीप्लाई कैसे करना है, ठीक है, और कैसे यहाँ पे आपको वेक्टर लगाना है, तो ये अपने को इस वीडियो में देखना है। तो हम कंसीडर करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो चार्जेस है हमारे पास, चार्ज Q1 और चार्ज Q2, दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस तो दोनों के बीच की डिस्टेंस है r। ठीक, अब देखिए जो Q1 चार्ज है वो Q2 पर एक फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है, ये इसको रिपेल करेगा, क्योंकि दो लाइक चार्जेस के बीच में क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स होता है। तो Q1 Q2 के ऊपर रिपल्सन फोर्स लगाएगा। ध्यान से देखिए, इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से रहेगी और इसका नाम क्या रहेगा जो फोर्स लगाया था, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, दूसरे पर पहले के कारण बल। ठीक है, दूसरे पर पहले कारण फोर्स। इसी प्रकार से जो Q2 है ये Q1 पर फोर्स लगाएगा, क्या फोर्स लगाएगा, तो ये फोर्स लगाएगा, ये रिपेल करेगा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, है ना, फोर्स ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू Q2 चार्ज, फोर्स ऑन Q2 चार्ज ड्यू टू Q1 चार्ज। किस पर फोर्स लग रहा है, टू पर, किसकी वजह से, वन की वजह से। इसको इस तरीके से लिखा जाता है और पढ़ा जाता है, फोर्स किस पे लग रहा है, वन पर, किसकी वजह से, टू की वजह से। तो फोर्स अप्लाइड ऑन वन ड्यू टू चार्ज वन ड्यू टू चार्ज टू, वन वाले पे कौन लग रहा है, टू वाला लगाया, ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो गई। अब हमें क्या करना है, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी लेना है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लेंगे, तो ध्यान से देखिए, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा फोर्स F2 के लिए, मतलब आप फोर्स किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको R वेक्टर से डिनोट करेंगे। ध्यान से देखना, इसको R वेक्टर से डिनोट करेंगे, कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो जो फोर्स है वो टू पर लग रहा है, और किसकी वजह से, वन की वजह से, यानी कि आपको टू से जाना है वन पर, है ना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपको कहाँ से कहाँ जाना है, आपको टू से जाना है वन पर। ठीक, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में आपने अगर स्टडी कर रखी होगी, जो वेक्टर फॉर्म होती है किसी भी डिस्प्लेसमेंट की, जो वेक्टर फॉर्म होती है वो दो चीज़ों का प्रोडक्ट होता है, एक होता है डायरेक्शन का और एक होता है मैग्नीट्यूड का। जिसे अगर आपने पढ़ा हो यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो यूनिट वेक्टर होता है a कैप इक्वल्स टू a वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड, ये क्या है, मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है a का। ठीक है, ये क्या है, ये है यूनिट वेक्टर, क्या है ये, यूनिट वेक्टर, और ये आपका जो भी वेक्टर आप यूज़ कर रहे हैं इसको फुल वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, फुल वेक्टर, मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, फुल वेक्टर, मैग्नीट्यूड, क्या बोल सकते हो इसको, इसको फुल वेक्टर। ठीक, फुल वेक्टर। तो यहाँ से इस फुल वेक्टर की वैल्यू जब आप फाइंड करोगे, तो वेक्टर a इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर इंटू
मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब इस यूनिट वेक्टर का एक नाम है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन। क्या बोल देते हैं, डायरेक्शन। इसको क्या बोल देते हैं, डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर आप R21 के लिए यूज़ करोगे, तो R21 के लिए यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, R21 यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू R21, ये आपका फुल वेक्टर डिवाइड बाई R21 का मैग्नीट्यूड, R21 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। क्या हो जाएगा, R21 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। इस R21 को, इस R21 के मैग्नीट्यूड को ये हम क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसको R लिख सकते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, यानी कि ये तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा R, ठीक है। तो ये सारी कहानी यहाँ पे मैंने लिख दी है। अब ध्यान से देखिए, जब आप फोर्स निकालोगे, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन, चलो पहले इस डायरेक्शन में, तो F21 के लिए निकाले थे, फोर्स ऑन 21 इक्वल्स टू इसका कांस्टेंट 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई R2। आप इसके साथ क्या लगा दो, इसके साथ आप लगा दो सिर्फ डायरेक्शन, क्या लगा दो इसकी, डायरेक्शन, डायरेक्शन यानी कि इसका यूनिट वेक्टर। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसको वेक्टर फॉर्म बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, या कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अगर आप इसकी वैल्यू पुट करते हो तो यहाँ पे आपका आंसर कुछ इस तरीके से आएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई R2। इसको R वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, देखिए ये R वेक्टर 21 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 21, ठीक है। इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहाँ है, 2 पे जाना है आपको, कहाँ से, 1 से, कहाँ पहुँचना है, 2 पे पहुँचना है, कहाँ से, 1 से, 2 पे पहुँचना है, 1 से, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यूनिट वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी आपकी R21 वेक्टर डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। अब देखिए, ये वाला और ये वाली जो वैल्यू है, 21 और R, जब आप 21 की बात करोगे, है ना, कहाँ पे जाना है, 2 पर, कहाँ से, 1 पे, यानी कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, और ये किसके बराबर, इसका, इस वेक्टर का, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है R के, किसके इक्वल है, R के। तो आप क्या लिख सकते हो, आप ऐसा लिख सकते हो, R वेक्टर 21 का जो मैग्नीट्यूड है वही सेम मैग्नीट्यूड रहेगा R12 के लिए भी, अगर आप इस डायरेक्शन में निकालोगे, ठीक, और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो R के इक्वल हो जाएगी, किसके इक्वल हो जाएगी, R के इक्वल हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कुछ इस तरीके से, F21 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई R³ और R21 वेक्टर, ठीक है। ये भी इसका क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म। तो एक टाइप तो ये हो गया, टाइप नंबर फर्स्ट वेक्टर फॉर्म, ये टाइप नंबर सेकंड, ये भी वेक्टर फॉर्म है, और टाइप नंबर थर्ड भी मैं आपको बता देता हूँ। टाइप नंबर थर्ड के लिए अपने को थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब देखिए, ये आपने वेक्टर फॉर्म जो लिखा है 2-1 के लिए, ये हम 1-2 के लिए भी लिख सकते हैं, किसके लिए लिख सकते हैं, 2-1 के लिए भी लिख सकते हैं। 2-1 के लिए कैसे लिख सकते हो, तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ यहाँ से। देखिए, आपको निकालना है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई R² इंटू यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब इसमें यूनिट वेक्टर कौन सा लगेगा, तो आप आ रहे हो कहाँ से, कहाँ आप आ रहे हो, आपको पहुँचना कहाँ है, आपको पहुँचना है 1 पर, कहाँ से, 2 से, है ना। ये इसका क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर। तो आप यहाँ पे लोगे R12, ठीक है, R12 आपने ले लिया। तो F12 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई R². देखो, ये भी एक वेक्टर फॉर्म हो गया, ठीक है, F12 के लिए, है ना, F12 के लिए क्या हो गया, आपका वेक्टर फॉर्म हो गया। इसी को हम यूनिट वेक्टर का के फॉर्मूले से, इसको यूनिट वेक्टर के फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से, जैसे यहाँ पे 2-1, 2-1 है, तो इसको 1-2-1-2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका फुल वेक्टर 1-2 डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड, R12 का मैग्नीट्यूड,
ठीक है। अभी आर वन टू का मैग्नीट्यूड आर के ही क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। जो आर वन टू है इसका जो मैग्नीट्यूड है किसके इक्वल है, आर के इक्वल है, ठीक। तो वन टू एफ वन टू इक्वल्स टू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई आर क्यू और आर वन टू का वेक्टर, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, वेक्टर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म। अब ये दो टाइप मैंने आपको बताया, टाइप नंबर फर्स्ट टाइप नंबर सेकेंड। अब मैं बात करता हूँ टाइप नंबर थर्ड, ठीक है। टाइप नंबर थर्ड क्या रहेगा, तो ध्यान से देखेंगे टाइप नंबर थर्ड क्या रहेगा, स्कोर ऑफ कर देता हूँ मैं। देखिए अब हम कंसीडर करते हैं कि दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है क्यू वन, सेकेंड वाला चार्ज है क्यू टू, ठीक। अब दोनों चार्ज जो है इनके पोजीशन वेक्टर हम कंसीडर करते हैं, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है ये ओरिजिन से, इसका जो पोजीशन वेक्टर है कुछ इस तरीके से रहेगा, पोजीशन वेक्टर ये आर वन, ठीक है। ये इसका पोजीशन वेक्टर है, क्यू टू का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया वेक्टर आर टू, ठीक है। अब देखिए कोई सा भी एक डायरेक्शन हम ले रहे, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस से रिपेल करेंगे, ठीक है। तो आप कोई सी भी एक डायरेक्शन कंसीडर कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के लिए एक डायरेक्शन कंसीडर कर ली, ये वाली, ठीक है। ये वाली क्या कर ली मैंने, डायरेक्शन कंसीडर कर ली, ठीक है। मैं इसको बोल सकता हूँ, इसको हम बोल सकते हैं, देखिए इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। वन वाला किस पे लगाएगा, टू वाले पे, और टू वाला किस पे लगाएगा, वन वाले पे, ठीक है। एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो यहाँ पे इस फोर्स का नाम क्या दे सकते हैं हम, फोर्स कौन एग्जर्टेड कर रहा है, तो फोर्स एग्जर्टेड बाय वन ड्यू टू, सॉरी ऑन टू, ठीक है। फोर्स एग्जर्टेड बाय वन ऑन चार्ज क्यू टू है ना, फोर्स एग्जर्टेड बाय चार्ज क्यू वन ऑन चार्ज क्यू टू, ठीक है। तो फोर्स एग्जर्टेड बाय वन ऑन चार्ज टू, तो चार्ज किस फोर्स किस पे लग रहा है, टू पर लग रहा है, किसकी वजह से, वन की वजह से, है ना। फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्स ऑफ टू ड्यू टू वन, ठीक। ऐसे ही ये हमने इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, तो आप इसको डेल आर भी बोल सकते हो, डेल्टा आर इसको बोल सकते हो, या डेल्टा आर नहीं बोलना है इसको, तो जिस तरीके से अपन ने वहाँ पे माना था इसको, हम इसको कंसिडर कर सकते हैं वेक्टर टू वन, ठीक है। ये भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो, दोनों नाम, ये डेल्टा आर भी कर सकते हो, वेक्टर आर टू वन भी इसको कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होगा उसके लिए हम पहले वैल्यू किसकी निकाल लेते हैं। देखिए फोर्स का फॉर्मूला तो होता है मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन आपको टू वन वाला फॉर्मूला निकालना है, तो टू वन वाला फॉर्मूला बनेगा आपका ए फैक्टर टू वन इक्वल्स टू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर और इसका यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर टू वन, ठीक। अब टू वन की वैल्यू अपने को यहाँ पे निकालनी है, तो टू वन की वैल्यू मैं यहाँ पे निकालूंगा ट्राइंगल लॉस से, ठीक है। जो दो आपके जो चार्जेस की बात करें, चार्जेस की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, दो जो आपके वेक्टर्स होते हैं उनका जो एडिशन होता है वो ट्राइंगल लॉस से हम फाइंड करते हैं। तो ट्राइंगल लॉ क्या कहता है, ट्राइंगल लॉ ये कहता है कि ये फर्स्ट वाले का, ये फर्स्ट वाला वेक्टर हो गया आपका, ये सेकेंड वाला वेक्टर हो गया, और थर्ड वाला जो होता है उसका रिजल्टेंट होता है ना, अपोजिट जो होता है वो क्या होता है, रिजल्टेंट, ठीक है। ये साइक्लिक ऑर्डर में ही रहे, साइक्लिक ऑर्डर में क्या होता है, तीनों का साइक्लिक ऑर्डर में है। ध्यान से देखिए, अगर ये इस तरीके से है तो इनका तीनों का सम तो क्या जाएगा, अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, तो आपका आंसर आएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू क्या जाएगा, जीरो, ठीक है। साइक्लिक ऑर्डर में क्या जाता है, जीरो, लेकिन हम साइक्लिक ऑर्डर में नहीं ले रहे हैं, तो वेक्टर ए वेक्टर बी और ये इसका रिजल्टेंट, ठीक है। क्योंकि ऑर्डर क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑर्डर जो हो रहा है यहाँ पे आपका ब्रेक हो रहा है, ऑर्डर जब ब्रेक हो रहा है तो ये रिजल्टेंट होता है, तो ये प्लस ये इसका रिजल्टेंट ये। तो ध्यान से देखिए ट्राइंगल लो हम पे लगाते हैं, वेक्टर एडिशन ऑफ ट्राइंगल लो, तो वेक्टर एडिशन ऑफ ट्राइंगल लो क्या कहता है, वेक्टर आर प्लस इसको बोल देंगे अपन वेक्टर टू वन, इन दोनों का जो सम होता है इक्वल होता है,
वेक्टर आर टू के। ठीक है, यहाँ से आर टू वन की वैल्यू निकालेंगे तो टू वन आर वेक्टर टू वन इक्वल्स टू ये आर वन उधर चला जाएगा तो आर टू माइनस आर वन। ठीक है, ये वैल्यू किसकी आ गई, वेक्टर आर टू वन की। ठीक है, मैं स्कोर ऑफ कर देता हूँ यहाँ पे। चलिए, अभी मैंने आपको इसके लिए बताया था कि जो यूनिट वेक्टर होता है इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एफ़ टू वन इक्वल्स टू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, उसको हम लिख देंगे क्या यहाँ पे आर वेक्टर टू वन डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड, क्या हो गया इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब देखिए इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो मैग्नीट्यूड है ये वाला, अगर इसका हम मैग्नीट्यूड निकालें तो किसके इक्वल निकलेगा, वो आर के ही इक्वल निकलेगा। किसके इक्वल निकलेगा, आर के इक्वल। ठीक है, किसके इक्वल निकलेगा, आर के। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं एफ टू वन इक्वल्स टू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई, इसको आप लिख सकते हो आर, मैग्नीट्यूड लिखना आपको। ठीक है, तो टू वन के मैग्नीट्यूड की पावर कितनी हो जाएगी, थ्री, क्योंकि एक ये हो गया और दो ये हो गए और एक ये हो गया, है ना, इनकी पावर कितनी हो गई, थ्री, और एक हो जाएगा यहाँ पे आर वेक्टर टू वन। ठीक है, अब देखिए आर वेक्टर टू वन की वैल्यू आपने क्या निकाली, यहाँ पे आर वेक्टर टू वन की जो वैल्यू है वो निकाली आपने आर टू माइनस आर वन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एफ टू वन इक्वल्स टू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर का की पावर थ्री, और यहाँ पे भी जाएगा आपका आर टू माइनस आर वन वेक्टर। ठीक, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ये भी क्या होता है, वेक्टर फॉर्म होता है। ठीक, कूलम्स लॉ का क्या होता है, वेक्टर फॉर्म। ये आपने टू वन के लिए निकाला, सेम आप किसके लिए निकाल सकते हो, एफ वन टू के लिए, किसके लिए निकाल सकते हो, एफ वन टू फोर्स जो होता है, तो वो फॉर्मूला बन जाएगा आपका एफ वन टू इक्वल्स टू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई, यहाँ पे वन हो जाएगा, वन माइनस टू की होल पावर थ्री, और हो जाएगा वेक्टर आर वन माइनस वेक्टर आर टू। ठीक है, तो बच्चों ये टाइप थर्ड हो गया आपका, ये हो गया टाइप थर्ड। ठीक है, टाइप थर्ड ये हो गया। तो इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में जनरली तो हमसे सिर्फ एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए आप फोर्स के फॉर्मूले के साथ क्या लगा दें, फोर्स के फॉर्मूले के साथ यूनिट वेक्टर लगा दें, और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।